करिकुलम डपमेंट इन पाकिस्तान करिकुलम की मीनिंग या डेफिनेशन यह है कि करिकुलम लैटिन वर्ल्ड के रे से निकला है जिसका मतलब यह है कि टू रन इट्स अ रन वे जिसमें आप जाके आप जिसमें चल के अपने एजुकेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं इसमें करिकुलम आपको एक ब्लूप्रिंट की तरह एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जो के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए आपको दिया जाता है क्यून घम के मुताबिक करिकुलम जो है वो एक ऐसा टूल है जो कि एक आर्टिस्ट के पास होता है जो मटीरियल को मोल्ड करता है और उसमें वो आइडियल कोई भी जो एक स्टूडियो है जिसमें वो यूज करता है इसी डेफिनेशन को अगर हम आर्टिस्ट एज अ टीचर रखें और मटेरियल को हम स्टूडेंट कर करने तो फिर जितने भी आइडियल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टूडियो है, है वहां पे वो बच्चों को जिस तरह से मोल्ड करते हैं जिस तरह से टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिस तरह से उनको वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस करवाते हैं उन सारी चीजों का नाम जो है या जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग है वो करिकुलम है करिकुलुलुलम के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो मेजर कॉम्पोनेंट्स या एलिमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं उसमें सबसे पहले एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर कॉन्टेंट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वैलुएशन अप्रोचेस है सो so, सबसे पहले अगर हम देखें एम्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो हमें ये बताते हैं कि वॉट वी नीड टू डू वॉट नीड्स टू बी डन वट इज टू बी डन ये क्या करना क्या है वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन वॉट सब्जेक्ट मैटर इज टू बी इंक्लूडेड कौन सा कॉन्टेंट रखना है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कौन सी देनी है किस तरह का मटीरियल देना है कौन से टेक्स बुक डिवेलप करनेिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंसिस कैसे देने हैं कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी पैटोगी कौन सी यूज करनी है एंड्रगोलॉजी कौन सी यूज करनी है किस तरह के रिसोर्सेज किस तरह की एक्टिविटीज हमने स्टूडेंट्स को देनी है ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है एम्स है उनको अचीव कर सके उसके लिए फिर जब हम लर्निंग कॉन्टेंट uh, भी प्रोवाइड कर देते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी कर देते हैं तो अब उसके बाद बारी आती है एवेलुएशन अप्रोचेस की कि हमें कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करना है कौन से किस तरह से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसके जरिए से हम करिकुलम के रिजल्ट को असेस कर सकें सबसे पहला जो स्टेप है करिकुलम के बेसिकली जब हम बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट की तो उसमें मेजर इस जो रोल है वो रेल्फ डाय टेलर का वो फोर स्टेप्स बताते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के फॉर्मूलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेस करते हैं फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में फाउंडेशन कौन सी है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है सोशलॉजिकल फाउंडेशन है पोलिटिकल फाउंडेशन है और ये सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स के एक तो बिहेवियर को देख सकें उसका बिहेवियर चेंज करना होता है क्योंकि एजुकेशन का जो की जो मेजर डेफिनेशन है वो चेंज इन बिहेवियर है चेंज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर स्टूडेंट्स बिहेवियर को ही हम एजुकेशन कहते हैं अब उसका बिहेवियर चेंज करना है तो हमें इस तरह की लर्निंग एक्सपीरियंसेस देनी है इस तरह से स्पेसिफिक uh, जो टीचर लर्नर एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट करनी है जिसमें फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हो इंस्टीट्यूट की कि आपका इंस्टीट्यूट किस फिलोसफी पे बेस करता है कौन सी फिलासफी है इस्लामिक फिलोसफी है आइडियोलॉजी क्या है आपकी सोशल नीड क्या है सोसाइटी की नीड्स क्या है स्टूडेंट की नीड क्या है ओवरऑल सोसाइटी में अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं वो भी चीज हमें जहन में रखते हुए अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाना होता है फिर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट का एंट्री लेवल एंट्री क्राइटेरिया लेवल ऑफ क्या उस चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली क्राइटेडर किया जाता है जब आप बनाते हैं ऑन दैट बेसिस आप फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस कॉन्टेंट जो है वो डिजाइन करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे होने चाहिए कि जिससे स्टूडेंट जो है वो लर्निंग बाय डूइंग या प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादातर फोकस कर करे प्रैक्टिकली की कोई भी चीज करते हैं तो उनकी नॉलेज जो है वो परमानेंट हो जाती है लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चों की मोटिवेशन और इंटरेस्ट को बढ़ाना ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हो कि स्टूडेंट को चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड करें कि वो एनालिटिकल थिंकर बने क्रिटिकल थिंकर बने स्टूडेंट की नीड को अकॉर्डिंग टू जो नीड ऑफ द टाइम है उसके मुताबिक कंटेंट को सिलेक्ट किया जाए स्टूडेंट की मल्टीपल आउटकम्स को देखा जाए कि उनमें हम वो अगर किसी भी तरीके के आउटकम्स रखने चाहते हैं वो इस तरह के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहते हैं तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे होने चाहिए जो कि उनको वर्सेटाइल किस्म के उनको, उनको मिले ताकि फ्यूचर में वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो करिकुलम उनकी उस फील्ड के मुताबिक जो कंटेंट है वो डिजाइन किया गया हो उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे हो कि अगर कोई बड़ा हो साइंटिस्ट बनना चाहता है एजुकेशनिस्ट बनना चाहता है एडवोकेट बनना चाहता है लॉयर बनना चाहता है डॉक्टर्स बनना चाहता है तो वो सारी उसके जो आउटकम्स है फिर फ्रॉम द करिकुलम वो अचीव हो सके उसका इंटरेस्ट भी बढ़ सके फिर नॉलेज स्किल और एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे प्रोवाइड किए जाए कि बच्चे की ना सिर्फ नॉलेज कंटेंट स्किल्स कंटेंट बढ़े कंटेंट नॉलेज हो बल्कि उसकी स्किल्स उसके एटीट्यूड में भी चेंज नजर आए जो कॉगनेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है वो सारी चीजें उसकी स्ट्रेंथन हो सके उसके बाद आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करें कि इस तरह का जो कॉन्टेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है और वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से जो है वो अचीव कर सकें जब वंस कंटेंट सेलेक्ट कर दिया अब आप आपकी जो नेक्स्ट जो टेलर के मुताबिक जो स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग अब आप एलिमेंट्स जो कंसिडर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इस तरह से हो के आप बच्चों के जो लेवल के मुताबिक ग्रुप जो सब्जेक्ट है उनको डिजाइन करें ऑर्गेनाइज करें उनके सब्जेक्ट की हेडिंग्स ऐसी बनाएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके मास्टर प्लान करिकुलम का प्रिपेयर करें करिकुलम क्या देना चाहता है इसके बाद हमें क्या मिलना चाह रहा है और करिकुलम एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं टोटल करिकुलम प्लेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं बच्चे को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि कोरिलेशनल चार्ट बनाएं कि अगर वो उसकी कोरिलेशन किस तरह से बढ़ सकती है अगर कौन कौन से कंटेंट ऐसे हैं जिसको पढ़ने से बच्चा जो है वो उसकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं नॉलेज डेवलप हो सकता है एटीट्यूड डेवलप हो सकता है एक पॉजिटिव कोरिलेशनल चार्ट बनाना बहुत जरूरी है उसके बाद हम डिफरेंट uh, फील्ड्स में इसको यूज कर सकते हैं लेकिन अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं तो आप किस तरह से कंटेंट को डेवलप करेंगे अगर सोशियोलॉजिकल बनाना चाह रहे हैं साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस देना चाह रहे हैं तो कंटेंट को उसके मुताबिक सिंपल टू डिफिकल्ट पे जा सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जा सकते हैं टीचिंग प्रैक्टिस सिस्टम जो है वो फॉलो करना चाहिए ताकि आपका सिस्टम है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट uh, किया गया हो डेवलप किया गया हो कि जिसमें बच्चे जो है वो प्रैक्टिकली uh, कोई चीज कर सकें इसके बाद आता है इवेलुएशन ऑफ करिकुलम इवेलुएशन ऑफ करिकुलम में जो आपने गोल्स डिजाइन किए थे जिस आइडियोलॉजी को बेस करते हुए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है सोशल नीड्स क्या है तो उनको असेस करना प्रोग्राम गोल को देखना कि हमारे इंस्टीट्यूशन के जो प्रोग्राम है उसने वो गोल्स अचीव किए हैं या नहीं किए बच्चों को जो कोर्स ऑब्जेक्टिव हमने दिए थे कोर्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए उसके लिए करिकुलम की इवेलुएशन की जाती है करिकुलम का जो इवेलुएशन है वो इसलिए भी हेल्पफुल रहती है कि हम कोर्स में जो एफ मैथड यूज कर रहे थे वो किस तरह का होना चाहिए था तो इस तरह से ओवरऑल आप करिकुलम को डिजाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ और चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट अगर हम फेडरल लेवल पे देखें और पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली देखें तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होती है कि नेशनल कोहिजन की इंटीग्रेशन के साथ आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन को जहन में रखते हुए करिकुलम डिवेलप करती है फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, आती हैं करिकुलम डिवेलप करते वक्त uh, वो ना सिर्फ करिकुलम बनाते हैं बल्कि सिलेबस प्लानिंग पॉलिसी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करके देते हैं उसको अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो डेवलपमेंट प्रोसेस अगर पाकिस्तान का सबसे पहले फेडरल करिक्लम विंग है जो डिजाइन करता है करिक्लम को वो में आ, ब्यूरो ऑफ प्रिपेयर किया जाता है, आ, उनको जो है वो, वो, वो प्रिपेयर किया, किया जाता है और उसके बाद वो अगेन फेडरल करिकुलम विंग के पास रिसीव होता है वहां पे अगेन उसको देखा जाता है और उसको नेशनल करिकुलम कमिटी जो है वो फॉर्म करती है उसको डेवलप करती है और इसके साथ नेशनल करिकुलम ड्राफ्ट को डिजाइन किया जाता है नेशनल करिकुलम ड्राफ्ट अगेन फिर प्रोवेंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम के पास और बोर्ड ऑफ अदर एजेंसीज जो है वहां पे किया जाता है और फिर फेडरल करिकुलम विंग के पास दोबारा उसकी अपडेशन के लिए फीडबैक के लिए दोबारा आता है और फिर करिकुलम नेशनल जो है वो डेवलप किया जाता है जब नेशनल करिकुल्ला बन जाता है तो वो फिर से प्रोवेंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम के बाद पास जो है वो भेजा जाता है बोर्ड्स जो है इंटरमीडिएट और सेकेंडरी उनको दिया जाता है और फिर वहां से प्रोविजनल टेक्सट बुक्स बनाए जाते हैं प्रोविजनल टेक्सट बुक्स जब डेवलप हो जाते हैं उनको पायलट टेस्ट किया जाता है और उनमें अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें ऑब्जर्वेशन नजर आती है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उनकी कंप्लाइंस की जाती है और उसके बेस पे आप न्यू टेक्स्ट बुक जो है वो पब्लिकेशन की तरफ जो है वो जाते हैं और पब्लिश करते हैं प्रॉब्लम्स अगर देखें इश्यूज जो है वो सबसे पहले ये इशू है कि टीचर रिलेक्टेंट होते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं हो पाती और ज्यादातर हम अगर देखें तो उसी वजह से वो रिलेक्टेंट होते हैं कि न्यू जो कोई करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं Evaluation, अगर हो रही है तो uh, नजर नहीं आती तो evaluation भी एक बहुत ज़्यादा नजर आता है Commitment नहीं है national philosophy के तहत तो भी हमें uh, ये चीज़ नजर आती है कि uh, एक प्रॉब्लमेटिक चीज नजर आती है सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता डिसअप्रूवल नजर आता है सीक्वेंस प्रॉपर नहीं यूज किया जाता स्पेसिफिक टू जर्नल जाना या uh, जो एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं उसमें आपको काफी हद तक जो है वो कमी नजर आती है करिकुलम हमारा ज्यादातर फोकस है अर्बनाइज अर्बन एरियाज पे रूरल एरियाज़ को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है टीचिंग मटेरियल का इशू है आउटडेटेड करिकुलम है रिपीटेड बहुत ज्यादा दिए गए अगर हम नेशनल की रिफॉर्म को देखें पाकिस्तान में तो हर प्रोविंस प्रोविशिबल है कि को में रिफॉर्म लेकर आए लेकिन हम देखते हैं कि प्रोविंस ऐसा कोई जो अपनी सुप्रमेसी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं एजुकेशनल एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादातर हमें ये नजर आते हैं कि अगर हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को देखें इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम कॉलोनियल एज से जो भी कर, करिकुलम पढ़ा रहे थे वही चीज हम पढ़ा रहे हैं हमें उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आने चाहिए पाकिस्तान स्टडीज है तो पाकिस्तान स्टडीज में बहुत ज्यादा हिस्ट्री जो है वो बायस्ड हुई भी है बायस्ड नरेटिव दिया गया है अगर ओपन अगर हम रखें तो स्टूडेंट्स को ब्रॉडर जो इम्पैक्ट है वो बता सकते हैं ब्रॉडर उसका पर्सपेक्टिव दे सकते हैं साइंस का सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं है उसको भी अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नेशनलाइज अगर करिकुलम दिया जाए तो उसमें फिर हम पाकिस्तान के जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं कैपेबिलिटीज हैं वो हमें मिसिंग नजर आती हैं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों को देखने के करिकुलम डिवेलप करने के और नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक भी Uh, अपना जो करिकुलम है वो विद द हेल्प ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इसको डेवलप कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइज ऐसा करिकुलम बना बना सकते हैं जिसमें प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट से ही फिर भी बार-बार होप होती है कि हम नेशनल करिकुलम को प्रोविंशियल लेवल पे जब सेट करते हैं तो वो ही एक हमें लाइट नजर आती है जहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा करिकुलम जो है रिफॉर्म लेकर आ सकता है कुछ रिकमेंडेशन करिकुलम प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो काफी हेल्पफुल रहेगा उसकी वो एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी रेडिनेस असेस की गई होगी स्टूडेंट्स की टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लेके अगर कोई चीज की जाती है तो अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल रहती है आप उसमें रैपिड रिस्पॉन्स देख से, देख सकते हैं कि नया करिकुलम है उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कोलेब्रेशन उसमें आनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के तहत ताकि आप ओनरशिप ले सकें करिकुलम uh, को जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है वो रिमूव कर देनी चाहिए और न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं और इसमें uh, हमें जरूरत है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो विजन 2030 के मुताबिक एजुकेशनल गोल्स हैं उनको हम डेवलप करें उनके मुताबिक जो है वो डिजाइन करें एजुकेशन को नेशनल लैंग्वेज और मदर टंग पे पढ़ाने की बहुत जरूरत है अगर इनिशियल लेवल पे प्राइमरी लेवल पे हम देखें तो हमें बच्चों को मदर टंग के जरिए पढ़ाए अगर पढ़ाएंगे तो उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा नजर आती है और अगर हम प्रोवेंशियल एच को अगर जो भी डिजाइन करती है जो बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए ग्रेजुएट्स के लिए उनको भी हम प्रोवेंशियल लेवल पे अगर लिया जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो सकती है रूरल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाए रूरल पॉपुलेशन के जो रिलेटेड उनके टाइम के मुताबिक उनके नीड नीड ऑफ एन आर के मुताबिक उनका करिक्रम जो है वो डिजाइन किया जा सकता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो